आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। कोतवाली पुलिस दो वांछित के खिलाफ दरवाजे पर नोटिस चस्पा की कार्रवाई की। गाजीपुर जबालिया कोतवाली पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अभियान चलाकर विगत दिनों दो हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसमें काफी मात्रा में धनराशि और हेरोइन बरामद की गई, जिसमें चार तस्कर वांछित रहे। बता दें कि अपराध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोतवाली प्रभारी संपूर्णानंद राय, केपी सिंह, सत्येंद्र राय के संयुक्त टीम के साथ गुरुवार की शाम पालिका परिषद के मोहल्ला अंसरिया वांछित अभियुक्त रईस अंसारी पुत्र अब्दुल रफीक, ग्राम बेटावर निवासी अंकित राय पुत्र अरुण राय के विरुद्ध मुनादी करवाकर न्यायालय में हाजिर होने के लिए नोटिस चस्पा किया गया। इसके पहले कोतवाली पुलिस क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने हेरोइन तस्कर सब्बलपुर निवासी राजीव यादव, नगर कस्बा मोहल्ला सोनार टोली निवासी कृष्णकांत जायसवाल कहीं भागने की फिराक में थे, परंतु सूचना पर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच के पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ दिया। दोनों के पास से काफी मात्रा में हेरोइन, लाखों की धनराशि बरामद की गई। उसमें दो वांछित को पकड़ने के लिए पुलिस ने गुरुवार की शाम दरवाजा पहुंचकर मुनादी कर आई और दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया। कोतवाली प्रभारी संपूर्णानंद राय ने बताया, दोनों वांछितों के खिलाफ न्यायालय में हाजिर होने के लिए मुनादी कराई गई। उन्होंने कहा, हाजिर नहीं होने पर मकान सहित पूरी संपत्ति कुर्क की जाएगी। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट। अपराध संख्या 336/21, धारा 8/21/22 NDPS Act